के मामले को लेकर दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की और साथ ही अलग अलग जगहों पर बने अवैध हुक्का बार और रेस्टोरेंट में चल रहे नशे के कारोबार पर भी लगाम लगाने की मांग की। अजमेर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों को सख्त सजा की मांग को लेकर एक दिन पहले जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया, वहीं शुक्रवार को दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों को सख्त सजा की मांग की। साथ ही अवैध हुक्का बार और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की अपील भी की। मुस्लिम धर्म के जो भी लड़के या सामाजिक तत्व हैं, वो हमारी बहन बेटियों को बेला फुसला कर स्कूल के वहाँ जाके, मॉल के पास जाके और कैफे के उधर जाके बेला फुसला कर ले जा रहे हैं। साथ में ले जाने के बाद वो लोग वहाँ पर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ से आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम हिंदू श्रेणी कमजोर नहीं है। अगर आज के बाद हमने कभी भी अपनी बहन बेटियों के साथ में इन मुस्लिम लड़कों को पकड़ा तो वहीं पर हम उनका किस तरह से हश्र करेंगे, ये उसका अंदाजा हमको लगा नहीं पाएंगे। अजमेर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव के साथ ही दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति अजमेर की कई महिलाएं कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जिन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप साथ ही नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों को फांसी की मांग की। हम लोग वहाँ पर उनके बुलडोजर चलवाएंगे और ऐसे लड़के जो पकड़े गए हैं, हम उनके लिए कहेंगे ऐसे लड़कों को फांसी दी जाए जो हमारी बहन बेटे को फुसला रहे हैं। साथ ही मैं बेटियों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को समझदारी रहें। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने जीवन खराब कर देते हैं, अपने धर्म का नाम खराब कराते हैं, तो ऐसी बेटियां भी जरा अपने आप को संभाल कर चले। 11वीं की छात्रा के साथ जिस तरह घिनौनी हरकत हुई है उसके बाद मातृशक्ति आग बबूला है और सभी चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस सख्त एक्शन ले ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। अरे बात हनुमान बेनीवाल की करते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इसे अपने अपमान से जोड़ करके देख रहे हैं। और आरएलपी के संयोजक और नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज जब मीडिया से बातचीत की इसी दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुला करके उनका अपमान किया गया। खास रिपोर्ट पर देखिए। कई बार क्या होता है कि बंदरगाह में उस तरह आ जाता है तो अपना कोई काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे जो अपना आपको बहुत बड़ा धुरंधर समझने लगे, हैसियत नहीं उनकी, कोई हैसियत नहीं। देखा हमारा हैसियत में आदमी जब मानता है खुद की पार्टी या खुद अलग अपने दल बल अपनी ताकत के साथ। जो लोग हनुमान बेनीवाल को जानते हैं उन्हें उनकी भाषा हैरान नहीं करती है, क्योंकि सीधी और सपाट बात कहना ही बेनीवाल की पहचान रही है। वैसे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के आक्रोश की ठोस वजह है उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाकर अंदर। बेनीवाल का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फोन पर चूक मानी, लेकिन इतने भर से बेनीवाल संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चूक होगी तो बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, जहां एक एक एमपी की आवश्यकता देश के अंदर, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए
और कांग्रेस ये पटाखे चलाए खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमें 11 ले, फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर। फिर मैं क्यों बोलूँ की कांग्रेस की वजह जीता? मैं कह रहा हूँ ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले इसलिए मैं जीता, लेकिन 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले। बेनीवाल कहते हैं कि जिस जीत का श्रेय लेने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मची है वो जीत कांग्रेस को आरएलपी की वजह से नसीब हुई। बेनीवाल ने कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। बेनीवाल के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी है, लेकिन वो एनडीए में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं फिर भी लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए। आपको बताते चलें कि 2019 में बेनीवाल की आरएलपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बाहर हो गई। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बेनीवाल ने नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया। बहरहाल बेनीवाल भले ही एनडीए में नहीं जाने का भरोसा दे रहे हों, लेकिन सियासत का एक सच ये भी है कि यहाँ जो नहीं कहा जाता अहमियत उसकी भी बरकरार रहती है। सियासत में संभावनाओं की मौत नहीं होती। न्यूज 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और अगली खबर अजमेर से, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जहां पर राम का मंदिर बना वहां पर बीजेपी हारी है। देश की जनता धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को पसंद नहीं करती। देश में विकास, सिद्धांत, प्रगति, संविधान की राजनीति की जानी चाहिए। बीजेपी को मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उन्हें यह समझ में आ गया कि वोट सरकार के खिलाफ पड़ा, जिससे उनका संख्या बल कम हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी जनादेश नहीं मिला है, ये खंडित जनादेश है, बीजेपी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन ने बेहतर किया है इन चुनाव में। अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहां पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको पसंद नहीं करते। राजनीति होती है सिद्धांत की, संविधान की, प्रगति की, विकास की, योजना की, उद्योग की, निवेश की। और राजनीति आप करें मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उसको नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात मुझे लगता है भाजपा को समझ में आ गई होगी। तो सचिन पायलट का ये बयान, और उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती, बीजेपी को ये बात समझ में आ गई होगी, चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है। तो चुनाव में मंगलसूत्र को लेकर जमकर राजनीति हुई थी और इसी का हवाला देते हुए यहां पर सचिन पायलट निशाना साध रहे हैं एनडीए गठबंधन पर। और साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी को इस तरह की राजनीति से सबक लेना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ने कम सीटें देकर बीजेपी को सबक सिखा दिया है। जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर विदेशी महिला को नकली ज्वेलरी देकर 6 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया है। और यह महिला यूएसए की रहने वाली है, जिसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। विदेशी महिला से 6 करोड़ की ठगी। महिला को बेची 6 करोड़ की नकली ज्वेलरी। यूएसए एम्बेसी में पीड़ित ने दी जानकारी। तस्वीरों में नजर आने वाली ये वही विदेशी महिला है जिन्हें ज्वेलर बाप बेटे ने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। चांदी की चेन पर सोने की पॉलिश और 300 रुपए वाले मोजोनाइट स्टोन को लाखों रुपए के हीरे बताकर फर्जी सर्टिफिकेट भी दे दिया। पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले आरोपी नंद किशोर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी गौरव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। गौरव सनी एंड हिज फादर विद रामा एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ जयपुर
have been systematically cheating me in jewelry. They have been shipping me 9-carat and gold plate instead of 14-carat. They have been shipping me entirely moissanite instead of natural diamonds. It's not just me, it's about 10 other designers that are impacted by him and his fraud. I have spent over $495,000 US dollars with him, all of which are in question. In both Houston, Texas and Vail, Colorado, the ski resort, I did file an FIR. पुलिस जांच में सामने आया है कि धोखाधड़ी के रुपए से ज्वेलर्स ने जयपुर में 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। पुलिस फरार दोनों बाप बेटे की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पिछले 2 साल से ज्वेलर राजेंद्र सोनी और गौरव सोनी के कांटेक्ट में थी। गौरव उसके पिता से खरीदी गई ज्वेलरी अमेरिका में लगाई गई एग्जीबिशन में नकली निकली, जिसे लेकर वो वापस जयपुर आई। विदेशी महिला की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी गौरव और राजेंद्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं टोंक के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय अस्पताल प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। यहाँ अस्पताल में पत्रकारों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है, हालांकि अस्पताल प्रशासन अलग ही दलील दे रहा है। टोंक के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगे इस नोटिस को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बिना प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की परमिशन के आप अस्पताल में एंट्री नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी बैन की बात लिखी गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये नोटिस मीडिया के लिए लगाया गया है, वो मीडिया जो बदहाली की तस्वीरें जगजाहिर करती है। ऐसे में अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय मीडिया पर बैन लगा दिया गया। पहले एक हीट वेव का दौर आया था, उस वक्त बहुत ज़्यादा मरीजों का लोड भी बढ़ा था, परेशानी भी आ रही थी, तो राज्य सरकार के निर्देश पर हमने एक प्लेन पेपर पर एक ऑर्डर निकाला था कि किसी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बगैर प्रशासन की अनुमति के नहीं की जाए, इससे माहौल बिगड़ने की स्थिति बन रही थी। और इस चीज़ के लिए जोधपुर कमिश्नरेट ने मार्च 2019 में एक ऑर्डर निकाला था, उसके रेफरेंस में हमने इस तरह का ये ऑर्डर निकाला है, जिससे कि व्यवस्थाएं सामान्य बनी रहें। टोंक जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल परिसर के अलग अलग वार्डों और परिसर की दीवारों पर चिपका हुआ ये नोटिस इन दिनों चर्चा का विषय बना है, जिसमें आमजन के साथ पत्रकारों को साफ चेतावनी, अस्पताल परिसर में किसी भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने से पहले प्रमुख शिक्षा अधिकारी की अनुमति की बात लिखी गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन नोटिस पर अलग ही जवाब दे रहा है। छोटी भी प्रॉब्लम होती है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, और ये पूरे राजस्थान में इस तरह के सर्कुलर निकले हैं। व्यवस्थाएं पूरी माकूल है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में कोई छोटी मोटी व्यवस्थाएं, जैसे किसी पेशेंट को बेड नहीं मिला या बेड सीट नहीं है, तो इसको भी बहुत बड़ा के मीडिया उसको बड़ा उठाने की करता है कि ऐसी व्यवस्थाएं कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ उसमें है कंट्रोल। बहरहाल अव्यवस्था को छिपाने के लिए इस तरह के आदेश जारी करने से बेहतर अस्पताल प्रशासन को जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का ये भी कहना है कि मीडिया कर्मियों के नाम पर कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटी सी समस्या को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, वहीं पुरानी चीजों को बार बार दिखाने से अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब होती है। टोंक से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाग लिया, और इसके बाद अलवर सांसद भूपेंद्र यादव से जोधपुर हाउस में उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ ओम बिरला से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात के कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। बीजेपी नेता श्रवर सिंह बगड़ी और मुकेश धारीच दिल्ली में मौजूद हैं, जोधपुर हाउस पहुंचे हैं दोनों नेता। जोधपुर हाउस में सीएम से मुलाकात करेंगे। तो आज महत्वपूर्ण दिन है, दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले आपको बता दें कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव से जोधपुर हाउस में मुलाकात की, ओम बिरला से भी सीएम की मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही बीजेपी नेता श्रवर सिंह बगड़ी और मुकेश धारीच दिल्ली में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात
मुख्यमंत्री की होने वाली है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा, और आज पहले वे सेंट्रल हाउस में मौजूद थे, सेंट्रल हॉल में जब एनडीए की बैठक हुई उस दौरान मौजूद थे, उसके बाद में जोधपुर हाउस में कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। बात करते हैं एसएमएस अस्पताल की। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एक बार फिर क्राउड मैनेजमेंट की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई थी, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि क्यू मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। रिपोर्ट देखिए। ये है राजधानी जयपुर का एसएमएस अस्पताल, जहां गर्मी के मौसम में मरीजों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब एसएमएस अस्पताल क्राउड मैनेजमेंट के बारे में विचार कर रहा है, जिसकी कोशिश पहले भी की गई थी। एसएमएस अस्पताल में हर रोज करीब 10,000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसे काम किया जाए, इसे लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का एक दल दिल्ली के एम्स में अध्ययन करने के लिए भेजा गया। कहा जा रहा है कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन, परामर्श, जांच और दवाओं के लिए मरीजों और परिजनों को कतारों में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए AI और IT आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। हम लोगों के पास जो OPD का फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब उसको हम उनको देखने से कोई मना नहीं कर सकते। अब हम उन लोगों के एफिशिएंट और फास्ट प्रोसीजर की कोशिश कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को ज्यादा टाइम, ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। SMS की कोशिश है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को और एफिशिएंट किया जाएगा। इसके साथ ही OPD में मरीजों के नंबर डिस्प्ले किए जाएंगे, ताकि बेवजह की कतारें ना लगें। क्यू मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेंगे, डॉक्टर्स को टैग दिए जाएंगे, डिस्प्ले होगा सबका नंबर कि किसका नंबर कितनी देर में आ रहा है, उसके लिए प्रयास करते हैं। चिकित्सा संस्थानों में मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त पर OPD में डॉक्टरों का पहुंचना भी जरूरी है, ताकि मरीजों की भीड़ को बढ़ने से पहले ही काबू किया जा सके। सौरभ गृहस्थी, News 18 राजस्थान। तो वहीं आचार संहिता अब खत्म होने के बाद लखपति दीदी योजना रफ्तार पकड़ेगी, इस तरह की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस योजना में गति लाने में जुटेगी। प्रदेश में करीब 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सरकार 3 साल में हासिल करेगी। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। महिलाएं जितनी आत्मनिर्भर बनेंगी, देश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए आधी आबादी के सशक्तिकरण की जरूरत आज भी बरकरार है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिससे वे अपना खुद का उद्यम शुरू कर सके। LED बल्ब बनाने से लेकर प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसी तकनीकी काम सिखाए जाते हैं। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई। 1 फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। देश के 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 से 50 साल तक की महिलाएं इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अंदर 5 लाख रुपए तक का, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का हम लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री देते हैं। आने वाले 3 सालों के अंदर करीब 11 लाख महिलाओं को हम इससे जोड़ने वाले हैं। और इससे पहले आचार संहिता से पहले हमने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने के लिए हमने जो योजनाएं की थी उस पर हम काम कर रहे हैं। एक समय था जब महिलाओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सिमट कर रह गई, उन्हें किसी तरह की कोई आजादी नहीं हासिल थी, उनका पूरा जीवन घर गृहस्थी और पारिवारिक कामों में सिमट कर रह जाता था।
जिसका उन्हें कोई श्रेय भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अब महिलाएं लखपति दीदी योजना से न सिर्फ अपना हुनर तराश कर अपने आप को समृद्ध कर रही हैं, बल्कि अपनी औलाद को भी जिंदगी की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं। घर परिवार की तस्वीर भी बदल रही है। न्यूज 18 राजस्थान के जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। तो हेमंत, ये तो बात रही लखपति दीदी की। और जरा बात करते हैं पेयजल संकट की, जो कि बहुत बड़ा एक संकट है। और राज्य सरकार भले ही भीषण गर्मियों में आम आदमियों को पेयजल की व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदार सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। और पलीता कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में सरकार द्वारा गर्मियों में पेयजल की उपलब्धता को लेकर जारी किए गए कंटिंजेंसी प्लान में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। आरोप यह है कि ठेकेदार और इंजीनियरों ने कंटिंजेंसी प्लान की योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। पेयजल योजनाओं में घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाई गई। जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कंटिंजेंसी प्लान में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दोषियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन क्या वाकई जांच सही समय पर निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता के साथ हो पाएगी और ऐसे ठेकेदार और इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बताया कि साहब इस तरीके से मेरी जो मैं इसको डीटीएच कर रहा था तो इसमें मेरी असेंबली और बिट अंदर जाके फंस गई थी कंप्रेसर मशीन में से जो ये इसके काम कर रहे थे जो, तो जब वो वापस आए अपने जो बिट और असेंबली निकाल रहे थे रोड वगैरह निकाल रहे थे तो वो उसको निकालने के वो निकल नहीं रही थी, फंस चुकी थी। और इस वजह से ये केसिंग निकाल के उनको काट काट करके उसने निकालना बताया। हमारे ट्यूबवेल हो रहा था एक विश्वामित्र कॉलोनी नगर में, मुरलीपुरा के अंदर अंतर्गत आता है वो। उस ट्यूबवेल में 320 फीट होने के बाद रोड और वगैरह फंस गई, ना बोर आगे हुआ ना पाइप गए ना कुछ हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बोला कि ये हमारा बोर ख़राब हो गया, आप नई साइट दिखाएं, मैं नया बोर करूँगा और ये फेल हो गया है, मुझे सक्सेस का ही पेमेंट चाहिए मैडम। तो हमने बोला ठीक है ट्राई कर लो। दो बार हमारे सामने पाइप ट्राई करे, नहीं निकले। फिर रात को इन्होंने कंप्रेशर मशीन कर बुला के पाइप निकलवाया। वो पाइप हमने देखे नहीं क्योंकि हम साइट पे पहुंचे उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर पाइप उठा के ले गया। और इसी बीच ये भी बड़ी खबर है भीलवाड़ा से, जहां पर अग्नि का तांडव देखने को मिला है। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, बिजली विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। इलाके की बिजली आपूर्ति को बंद किया गया है ताकि जल्द से जल्द यहां पर जो आग लगी है उसको बुझाया जा सके और किसी बड़ी अनहोनी से बचाया जा सके, इसलिए बिजली की आपूर्ति को बंद किया जा रहा है। भीलवाड़ा के बिलिया की घटना है, तस्वीर आपके सामने है। फर्नीचर ये गोदाम जहां पर भीषण आग लग गई और जाहिर तौर पर गर्मी बहुत है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं लगातार तेज हो रही है। और उधर देखिए जयपुर में भी चलती ट्रेन के एसी कोच में आग लग गई। और यहां पर एसी कोच में आग लगने के बाद फायर अलार्म बजने पर ट्रेन को रोका गया, यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। उस वक्त की तस्वीरें हैं आज सुबह की, जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया है। करीब एक घंटे बाद कोच बदलकर ट्रेन को रवाना किया गया। सीपीआरओ शशि किरण का कहना है कि साबरमती दौलतपुर चौक एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब 5 बजे ट्रेन खातीपुरा से जगतपुरा की ओर जा रही थी कि इस दौरान यह हादसा हो गया। सीबीआई फाटे के पास चलती ट्रेन के एसी कोच में आग लगी। थोड़ी देर में आग की लपटें उठने लगी और कोच में धुआं फैल गया, यात्री इससे घबरा गए। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, आपको बता दें दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जोधपुर हाउस से रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जोधपुर हाउस से रवाना हुए हैं मोहन यादव, क्योंकि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठहरे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए जोधपुर हाउस पहुंचे थे दिल्ली के ही मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि जो मुलाकात का कार्यक्रम है करीब 2 घंटे तक चला है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि आज दिल्ली के दौरे पर हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जोधपुर हाउस में लगातार मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं, जोधपुर हाउस के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल यहां पर मुलाकात हुई थी करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ।
ईआरसीपी को लेकर बताया जा रहा है कि प्रदेश के अधिकारियों के समक्ष बातचीत हुई ईआरसीपी का मुद्दा, जिसमें कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश की भी बड़ी भूमिका है, लिहाजा 2 घंटे तक हुई दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात काफी अहम रही है।